हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका किंग ऑफ रीजनिंग के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था रैंकिंग टेस्ट, और इसमें आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक अध्ययन करना। तुलनात्मक अध्ययन से मेरा मतलब क्या है, देखिएगा कि तुलना करने के लिए बोलेगा प्रश्न के अंदर किसी व्यक्तियों के बीच में, किसी वस्तु के बीच में या किसी स्थान के बीच में। तो तुलना करने के लिए कंडीशन स्टेटमेंट देखिए किस तरीके से देगा आपको। आपको देगा ए बी से बड़ा है, तो आपको तुलना कैसे करनी है देखिएगा, आपको क्या लिखना है, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। वहीं दूसरी कंडीशन ऐसे आती है कि ए बी से छोटा है, ठीक है, इसे आप कैसे लिखेंगे, ए लेस देन बी। दूसरा आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बी ग्रेटर देन ए, तो दोनों ही कंडीशन में क्या है, स्टेटमेंट आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या है कि तुलना करते हुए चलना है आपको, और लास्ट में आपके आपसे जो प्रश्न पूछेगा उसका जवाब देने के लिए आपके पास में एक पूरा डायग्राम बना हुआ होगा, तुलना करने के लिए एक स्टेट पूरी वो डायग्राम होगा आपके पास में, और आप आंसर दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, राम मोहन से बड़ा है, सोहन राम से बड़ा है, श्याम सोहन से छोटा है परंतु राम से बड़ा है, जॉन ग्रुप में सबसे छोटा है तो मध्य में कौन है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको उसे ड्रॉ करते हुए चलना है और आगे की तरफ बढ़ेंगे इसमें। फिर देखिएगा राम दे रखा है मोहन से बड़ा है, तो राम ग्रेटर देन मोहन, इस तरीके से मैंने बताया था, साइन लगेगा, ठीक है। सोहन जो है वो राम से बड़ा है, सोहन आ गया इस तरफ और ये ग्रेटर देन का साइन आ गया, राम से बड़ा है। आगे आपको क्या बोल रहा है, श्याम सोहन से छोटा है, तो ये सोहन मैंने यहाँ ले लिया और इसमें ग्रेटर देन श्याम से लगा दिया अपन ने, तो इससे क्या हो जाएगा कि श्याम जो है वो सोहन से छोटा हो जाएगा परंतु राम से बड़ा है। कौन परंतु, किसकी बात हो रही है, श्याम की बात हो रही है, तो इसको क्या करेंगे, ये इस तरीके से लिखेंगे। तो देखिएगा ये स्टेटमेंट आपके, सोहन क्या हो गया, श्याम से बड़ा, और श्याम जो है वो राम से बड़ा हो गया। अब आपके पास में ये दो कंडीशन आ गई, दोनों में कॉमन क्या है, सोहन और ये राम, तो देखिएगा सोहन यहाँ पर आ जाएगा, श्याम यहाँ पर आ जाएगा और राम इस तरफ, तो मोहन क्या आएगा, इस तरफ आ जाएगा कंपेयर करने पे, ठीक है। तो यहाँ तक क्या है कि हमारा एक ऑर्डर तैयार हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जॉन ग्रुप में सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा है तो सबसे लास्ट में आएगा, तो ये जो है इस प्रश्न का एक ऑर्डर हमें तैयार होकर के मिल गया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मध्य में कौन है, मध्य में कौन आएगा, सेंटर में राम, दो इस तरफ से छोड़ देंगे और दो इस तरफ से, तो बीच में कौन आएगा, मध्य में राम आएगा। ए बी सी डी ई, पांच पुस्तकें सी डी के ऊपर है, ई ए के नीचे है, डी ए के ऊपर है, बी ई के नीचे, सबसे नीचे पुस्तक कौन सी है। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखिएगा, मैं बताया था कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिस नहीं करनी है, उसे ड्रॉ करते हुए चलना है। तो पांच पुस्तकें दे रखी है और सी डी के ऊपर है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये दे रखा है, तो सी जो है वो डी के, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, सी डी के ऊपर है, इससे इंडिकेट हो रहा है, ई ई के नीचे है, तो देखिए इससे रिलेटेड नहीं है बट आपको ड्रॉ जरूर करना है उसे, तो मैंने यहाँ कर दिया इसको, ई जो है वो ए के नीचे है, तो ए यहाँ आ जाएगा और ये इस तरीके से, ठीक है। दोनों को मैंने अलग अलग ड्रॉ किया है, अभी इन दोनों के बीच में कोई बीच में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, डी ए के ऊपर है, तो डी जो है ए के ऊपर है, तो देखिएगा ये वाला स्टेटमेंट एज इट इज नीचे रख सकते हैं अपन, ठीक है। अब क्या दे रखा है, बी जो है ई के नीचे है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा ई के नीचे। देखिएगा पांचों पुस्तकें अपने ऑर्डर में आ गई हैं और हमसे पूछा गया है सबसे नीचे पुस्तक कौन सी है, तो सबसे नीचे कौन सी है, बी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसी प्रकार करेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आपको दे रखी है उससे क्या है कि डिनोट करते हुए चलिए, जिससे क्या है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आगे आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो N, Q और P से लंबा है, तो कैसे आएगा, N जो है यहाँ आ जाएगा और P, कॉमा Q। मैंने देखिए कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि P और Q का अभी तक रिलेशन हमें पता नहीं है। आगे बोला परंतु M से छोटा है, कौन M से छोटा है, N, तो मैंने M यहाँ लिख दिया, ठीक है। इससे ये डिनोट हो जाता है कि M बड़ा है N से और N छोटा है M से, ठीक है। P सिर्फ Q से लंबा है, तो ये देखिएगा कॉमा हटा के हम ये लिख सकते हैं। अब देखिएगा P सिर्फ Q से लंबा है, बाकी सबसे तो छोटा ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
जबकि एस सिर्फ एल से छोटा है, तो एस जो है वो सिर्फ एल से छोटा है, बाकी सबसे क्या है, लंबा है। तो आपका सीक्वेंस क्या आ जाएगा, ये का ये सीक्वेंस मैं ऊपर की तरफ लिख सकता हूँ और आपकी कंडीशन जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एल जो है वो क्या है कि एस से लंबा हो गया, और एस क्या है कि सिर्फ एल से छोटा है, बाकी सबसे तो क्या है, लंबा है। तो सीक्वेंस आपका क्या है कि ये कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा देखिएगा फ्रेंड्स एल है, और सबसे छोटा कौन है, क्यू है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एल कोमा क्यू। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, अक्षय अनिल से छोटा है, अनिल राम से बड़ा है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना सुमित है। पांच मित्रों में से राजन आयु क्रम में तीसरे स्थान पर है, तो सबसे छोटा कौन है। ऑप्शन में दे रखा है आपको, ए अक्षय, बी अनिल, सी राम, डी तय नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिएगा कैसे करेंगे हम। अक्षय दे रखा है जो वो अनिल से छोटा है, तो इसे ऐसे डिनोट करेंगे। मैंने बताया था आपको, अगर ए बी से छोटा है तो आप इस तरीके से साइन बनाएंगे। ठीक है, अनिल राम से बड़ा है, तो अनिल जो है वो राम से बड़ा है, यहाँ अनिल आ जाएगा। इस तरीके से मैं इसे डिनोट कर सकता हूँ कि राम छोटा हो गया अनिल से और अनिल बड़ा हो गया राम से, परंतु उतना बड़ा नहीं है जितना कि सुमित है। ठीक है, तो सुमित यहाँ आ जाएगा। अब क्या हो गया, अनिल जो है वो सुमित से छोटा हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, बोल रहा है पांच मित्रों में से राजन आयु क्रम में तीसरे स्थान पे है, तो मतलब कि पांच जो स्थान है आपके पास में, उसमें राजन का स्थान थर्ड नंबर पे है, यहाँ राजन है और ये आपके पांच स्थान आपको दे रखे हैं और राजन जो है वो थर्ड नंबर पे है। तो आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है। तो देखिएगा फ्रेंड्स इसमें क्या है कि सबसे छोटा आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि अक्षय और राम के बीच में, अक्षय और राम के बीच में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो कंडीशन या तो ये बैठ सकती है, मैं आपको बता देता हूँ कंडीशन किस तरीके से बैठेगी। राजन जो है वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, और इसके बाद में आपके पास अनिल आ जाएगा, और उसके बाद में जो है सुमित। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी कि अक्षय छोटा हो गया राम से, और दूसरी कंडीशन में आप ये भी लिख सकते हो राम छोटा है अक्षय से, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी है। तो आपके पास में आंसर क्या हो जाएगा, डी तय नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, सबसे ज़्यादा जो टफ बन सकते हैं क्वेश्चन, वो हमारे पास में देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ नामक छह मित्रों में से प्रत्येक को एक परीक्षा में अलग अलग अंक मिले हैं, सी को केवल ए व ई से अधिक अंक मिले हैं, डी को केवल बी से कम अंक मिले हैं, ई को सबसे कम अंक नहीं मिले, जिसे तीसरे सर्वाधिक मिले उसे 81 अंक मिले, ई को अंक 62 अंक ही मिले हैं। तो फ्रेंड्स हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इससे रिलेटेड कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन के हम अरेंज करेंगे, एक सीक्वेंस बनाएंगे सबका। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे सीक्वेंस, इन्फॉर्मेशन में हमें दे रखा है 6 मित्र हैं, कितने 6 मित्र, ठीक है, मतलब कि आपके पास में 6 स्पेस आएंगे। ठीक है, 6 स्पेस आ गए आपके पास में। अब उन्हें अरेंज कैसे करना है, सी को केवल ए व ई से अधिक अंक मिले हैं, तो सी को केवल ए और ई से अधिक अंक मिले हैं, बाकी सबसे तो कम मिले होंगे, तो सी कहाँ आ जाएगा, इस तरफ, और इससे पहले 3 व्यक्ति आ जाएंगे जिसको सी से अधिक अंक मिले हैं, और ए और ई जो है वो आपके इस तरीके से कुछ आएंगे। ए और ई का हमें रिलेशन नहीं पता है अभी तक, आगे बढ़ते हैं। डी को केवल बी से कम अंक मिले, बाकी सबसे अधिक मिले हैं, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि बी को केवल डी से कम अंक मिले, तो बी यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका, बी ग्रेटर देन डी, और इसके आगे जो है डी के बाद में ए और ई और ए सी इस तरीके से आएंगे। ठीक है, आगे दे रखा है आपको ई को सबसे कम अंक नहीं मिले, तो देखिएगा एक स्पेस बीच में छूट रहा है, तो यहाँ आ जाएगा एफ। ठीक है, और हमें बोल रहा है ई को सबसे कम अंक नहीं मिले, तो ई और ए में कंपेरिजन आ गया, इस तरीके से हम लिखेंगे ई यहाँ आ जाएगा और ग्रेटर देन ए। तो सीक्वेंस जो है आपका यूं बन के आएगा, बी डी एफ सी ई और ए।
ठीक है, आगे क्या बोला इसमें, जिसे तीसरे सर्वाधिक अंक मिले उसे 81 अंक मिले, तीसरे सर्वाधिक अंक किसे मिले, एफ को, इसको 81 लिखें, इस तरीके से मैंने बना दिया है। ई को अंक 62 मिले हैं, तो ई को कितने अंक मिले हैं, 62। तो इस तरीके से हमारा क्या है कि सीक्वेंस ऑर्डर तैयार हो गया है। अब इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस क्या बनते हैं, आगे बढ़ते हैं उसमें देखते हैं। तो इससे रिलेटेड देखिए पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, संभावित रूप से सी के अंक निम्न में से कौन से हो सकते हैं। देखिएगा कंडीशन दे रखी है संभावित रूप से, कन्फर्मली नहीं बता सकती कि कितने अंक मिले हैं, तो ऑप्शन से ही हो पाएगा। ऑप्शन में ए दे रखा है 70, बी 94, सी 86 और डी 61। तो देखिएगा सी की जो पोजीशन है वो कहाँ पर आ रही है, एफ और ई के बीच में। तो इसको जो अंक मिलेंगे 81 और 62 के बीच के अंक मिलेंगे वो कोई से भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने कहा था कि ऑप्शन से ही हो सकता है। ऑप्शन में देखिएगा दोनों के बीच का अंक कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन में दे रखा है 70, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए 70। उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन क्या बनता है, जिस व्यक्ति को सर्वाधिक अंक मिले उसे एफ के अंकों से 13 अंक अधिक मिले। तो देखिएगा सर्वाधिक अंक किसे मिले हुए हैं, बी को, ठीक है, और इसे एफ से कितने अंक अधिक मिले, 13। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 13 करने पे 94। ठीक है, अब आगे हमसे पूछता है निम्न में से डी के अंक कौन से हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, देखिएगा वही वाली कंडीशन है 94 और 81 के बीच में, जो भी ऑप्शन में आपको नंबर दे रखा है वही इसका आंसर होगा। तो देखिएगा 94 दे रखा है, 60 दे रखा है, 89 दे रखा है, तो सी आंसर 89 हो जाएगा, क्योंकि 89 जो है इन दोनों के बीच का नंबर है। तो फ्रेंड्स जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है, दी गई जानकारी के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है। तो ए दे रखा है डी के अंक निश्चित तौर पर 60 से कम थे। तो देखिए फ्रेंड्स एफ को जो है वो 81 मिले हैं अंक, और डी क्या है, क्या इसको 60 मिल सकते, नहीं, क्योंकि इसको क्या है कि 81 से अधिक ही मिलेंगे, 81 से अधिक ही मिलेंगे। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो तो क्रॉस हो गया, ए जो है वो क्रॉस हो चुका है। बी ऑप्शन दे रखा है एफ को सर्वाधिक अंक मिले हैं, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बी को क्या है कि सर्वाधिक अंक मिले हैं, एफ को नहीं मिले हैं, तो ये भी आपका क्रॉस हो चुका है। ठीक है, केवल दो लोगों को सी से अधिक अंक मिले हैं, तो सी से अधिक अंक देखिए कितने लोगों को मिले हैं, 3 लोगों को, तो ये वाला भी क्रॉस हो चुका है। तो निश्चित रूप से ये बी डी वैसे सही होगा, पर कंडीशन भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। संभावना है कि बी को 94 अंक मिले हैं, तो हो सकते हैं क्योंकि बी जो है वो सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डी वाला स्टेटमेंट सत्य होगा। तो फ्रेंड्स जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं हम, तुलनात्मक व्यवस्था बनाते हैं, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो बनता है वो इस तरीके से, रोमन अंकों में सी डी एल एम एम का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है। तो देखिएगा सी डी एल और एम एक रोमन नंबर हैं, और इनका अनुक्रम बिठाने के लिए आपको पहले इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैं आपको वैल्यू लिख के बता देता हूँ, एल जो है इसकी वैल्यू होती है रोमन अंकों में, एल बराबर जो है वो 50, 50 को रोमन अंक में हम एल लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए सी जो है उसको 100, रोमन अंक में 100 को सी लिखते हैं। डी की जो वैल्यू है वो है 500, 500, और एम की जो वैल्यू है वो है 1000। तो देखिएगा सीक्वेंस तैयार हो चुका है, एम सबसे बड़ा है, उससे छोटा डी है, और उससे छोटा सी, और उससे छोटा एल। तो ये ऑप्शंस में हम देखेंगे कहाँ पर दे रखा है, तो सी दे रखा है आपको एम सबसे बड़ा, उससे बड़ा डी, सॉरी उससे छोटा डी है, और उससे छोटा सी है, और उससे छोटा एल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा रैंकिंग टेस्ट जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड मैं और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।